पद्म पुरस्कार से सम्मानित बिहार की मशहूर गायिका शारदा सिन्हा अब इस दुनिया में नहीं रहीं। दिल्ली एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली। उनके निधन से देश भर में शोक की लहर है। शारदा सिन्हा के गाए छठ गीत अभी हर तरफ बज रहे हैं और इस महापर्व के बीच में उनके देहांत की खबर से प्रशंसकों में मायूसी छाई है। वहीं इस बीच बिहार कोकिला शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट पहुंचा। पटना एयरपोर्ट पर डिप्टी सीएम के साथ ही बिहार के कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। दुर्भाग्यपूर्ण है और शारदा सिन्हा जी के पूरी तरह जो उन्होंने लंबे समय तक लगभग 3 से 4 दशकों तक बिहार में लोकगीत को बढ़ाने का काम किया, छठी मैया की पूजा को बढ़ाने का काम किया और बिहार सरकार ने आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने निर्देश दिया है कि उनके पूरे अंत्येष्टि का कार्य राजकीय सम्मान समारोह के साथ किया जाए और कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी बिहार आ रहे हैं तो वो भी उनके परिवार से मिलेंगे और संवेदना व्यक्त। अब ये वो परिवार लोग तय करेंगे। वहां से अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को आवास पर ले जाया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मंत्री विजय चौधरी, राज्यसभा सांसद संजय झा ने शारदा सिन्हा के आवास पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं शारदा सिन्हा के बेटे अंशुमन ने बताया कि उनकी मां का अंतिम संस्कार 7 नवंबर को होगा। उन्होंने कहा कि उनका जाना सभी के लिए किसी झटके से कम नहीं है। बहुत शॉकिंग है हम परिवारों के लिए, तो परिजनों के लिए तो जो झटका लगता है वो लगता ही है, पर मां सबकी थी, सबके बहुत करीब थी और ये गुण था उनके व्यक्तित्व का कि उनकी गायकी भी ऐसी थी कि सब अपना लेते थे, तो ये झटका सबको लगा है और ये दुख जितना मुझे हो रहा है मैं बहुत श्योर हूँ ये सबको उतना ही दुख हो रहा होगा, क्योंकि उनमें जो मातृत्व था वो मातृत्व उनकी गायकी से लेकर उनके व्यक्तित्व तक एक जैसा झलकता था और वैसे ही लोगों ने भी उनको आत्मसात किया है। सो ये दुख का पल है और छठ के ही समय पे ऐसा हो जाना ये एक कॉस्मिक कॉन्स्पिरेसी है, क्या कहा जाए, पर अब लोग उनके लिए प्रार्थना करें, आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें, उनके किए हुए कृत को याद करें, उसके अच्छे जो गुण थे उसको अपनाने की कोशिश करें, यही संदेश है सबके लिए। अधूरा तो लगेगा, ये अभिन्न अंग थे दोनों एक दूसरे के। उन्होंने जब 1978 में छठ के गीत गाए थे तब से लेकर अभी 2024 तक निरंतरता बनी रही है छठ के गीतों की, तो जाहिर है कि लोग भी उसे उसी तरह से आत्मसात कर लिए थे। तो ठीक है, सुना तो जरूर कर गई, लेकिन जाते जाते अंतिम उपहार भी 2024 में दे गई हैं। तो मुझे लगता है कि वो पूरे ब्रह्मांड में जहां भी रहेंगी हर छठ पर वो वैसे ही वायु में, वायुमंडल में मौजूद रहेंगी, अपने सब छठ व्रतियों के साथ रहेंगी। बता दें कि दिल्ली एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली। सोमवार की शाम शारदा सिन्हा की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट करना पड़ा। बीते मंगलवार को उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इस खबर ने देश भर में उनके शुभचिंतकों को झकझोर कर रख दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।